हेलो दोस्तों, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई जन्नत बस सेवा के सफ़र का लुफ्त उठा रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि यह एक न्यू एसी डिलक्स बस है जो कि यूपीएसआरटीसी और आईआरसीटीसी ने मिलकर लॉन्च की गई है। अभी ये ट्रायल बेस पे चलाई जा रही है और कुछ दिनों बाद ही इसको आईआरसीटीसी के द्वारा प्री बुकिंग की सर्विस इसकी स्टार्ट हो जाएगी। इस बस की जो खास बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बस की जो सीट हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, आरामदायक हैं और हर सीट के ऊपर जो एसी की विंडो वो लगी हुई है, हर सीट के ऊपर लाइटिंग की सुविधा है, हर सीट पे फैन लगे हुए हैं और पर्दे भी लगे हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं आगे और पीछे दोनों साइड। और जो इस समय जो हर मुसाफिर की सुविधा के हिसाब से इसमें पावर की व्यवस्था दी गई है, मतलब अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह आप चार्ज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर अपना मोबाइल या लैपटॉप चार्ज करने का सॉकेट लगाया गया है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा सफ़र है। इस बस को अभी दिल्ली से लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली जैसे रूटों पर चलाया गया है। इस समय मैं कानपुर से कन्नौज के रूट का सफ़र तय कर रहा हूँ और मुझे इसने कन्नौज सिर्फ 7 घंटे में पहुँचा दिया। और इसकी जो टिकट का जो प्राइस है वो मात्र 394 रुपये है, जो कि जो साधारण किराया से मात्र 20% एक्स्ट्रा है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी बस सर्विस है और ये चलनी चाहिए रेगुलर। आदि आ